तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपको एक काफ़ी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं। आपको पता होगा कि जियो सावन से अगर आप कॉलर ट्यून वगैरह सेट करना चाहते हो तो वो आप मंथ में एक बार कर सकते हो। उससे ज़्यादा करने के लिए आपको प्रीमियम जो वर्जन है वो बाई करना पड़ता है। तो बिल्कुल एक लीगल तरीका है जिसकी मदद से वो जियो ट्यून आप जो है वो फ्री में सेट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखते रहिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहला तरीका तो है, अगर आप एंड्रॉयड के माई जियो ऐप में ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको जियो ट्यून्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उससे सेट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो मैंने खुद ट्राई करके देखा इसलिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, एक्टिवेट डीएक्टिवेट दोनों यहाँ से कर पाओगे। दूसरा जो तरीका है, जियो फोन से भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जियो ट्यून जो सेट कर सकते हो, वो भी बिना सिम को चेंज किए। तो वो कैसे करना है वो आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको एक जियो फोन ले लेना है, आपके पास में होगा या फिर आपके किसी दोस्त से आप ले सकते हो। उसके बाद में उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद में जब आप पहली बार उसे वाईफाई से और जियो सावन ऐप ओपन करेंगे तो उसमें आपका जो नंबर है वाईफाई वाला वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद में उसे आप वाईफाई से यूज़ करें या फिर डाटा जो आपके जियो फोन में है उससे, लेकिन आपका ही नंबर उसमें रजिस्टर रहेगा। और जब भी आपको जियो ट्यून सेट करोगे तो वो जियो फोन वाले नंबर पर नहीं बल्कि आपके नंबर पर सेट हो जाएगी। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताई है, जियो पे में भी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि उसमें यूपीआई वाला अपडेट आ चुका है। पहले उसमें जो है वाईफाई वाला जो नंबर है वो रजिस्टर हो जाता था। अभी मैं यहाँ पर सेट एज जियो ट्यून पर अगर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर जो मेरा नंबर है वो दिखाएगा वाईफाई वाला, यानी कि जो एंड्रॉयड वाला नंबर है वो यहाँ पर दिखाएगा। लास्ट डिजिट आपने देख ली है, मैं आपको फिर से भी दिखा दूंगा और उसके बाद मैं आपको मैसेज वगैरह भी दिखा कर आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये जो नंबर है वो मेरे एंड्रॉयड फ़ोन का है। तो आप देख लीजिए 7328 जो लास्ट 4 डिजिट है। और जियो फोन के जियो सावर में आप जो है कितने भी जियो ट्यून सेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। बाकी जो एंड्रॉयड वाला जियो सावर है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है। तो जियो ट्यून सेट होने के बाद में आपको पता है मैसेज आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आया, एंड्रॉयड में चला गया है। अभी मैं आपको साबित करके दिखा देता हूँ, मेरे जो जियो फोन वाला नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट है 8221। तो आपने अभी देख लिया है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। 1299 पर जैसे आप कॉल करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे जो बैलेंस होता है वो आपको शो करता है मैसेज के थ्रू, और उसमें आपका जो नंबर भी आता है। तो मैं वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल रियल ट्रिक है, आपके फ़ोन में भी वर्क करेगी। बस आपको जियो फोन को रीसेट करना पड़ेगा और उसके बाद में वाईफाई से आपको जो है उसे ओपन कर लेना है जियो सावन ऐप को। उसके बाद में आप जितनी चाहो जियो ट्यून जो है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है 8221 जो लास्ट 4 डिजिट है। तो इस तरीके से आप जियो ट्यून सेट कर सकते हो। मैं एक और जियो ट्यून जो आपको सेट करके फिर से दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो एंड्रॉयड वाला नंबर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो बिल्कुल वर्किंग ट्रिक मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल लीगल ट्रिक है। सबसे पहले तो आप माई जियो ऐप में जियो ट्यून्स का जो ऑप्शन मिल जाता है उससे सेट कर सकते हो, या फिर जियो फोन को रीसेट करके वाईफाई से अगर ओपन करोगे उसे तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन का जो नंबर है वो इसमें रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद में आप जियो ट्यून सेट कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम भी आती है, वो वाईफाई से ओपन कर लेते हैं और उनको बाद में पता नहीं चलता है कि वो जियो ट्यून अपने नंबर पर सेट कर रहे हैं और किसी दूसरे नंबर पर वो सेट हो जा रही है। तो अभी आपको उसका रीज़न भी पता चल चुका होगा, और जैसे ही आप रीसेट कर लोगे तो फिर से आपका जो नंबर है उसमें रजिस्टर हो जाएगा। तो मैंने जो है वो दो जियो ट्यून यहाँ पर सेट की थी और आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। मैसेज भी आ चुका है, लास्ट 4 डिजिट जो यहाँ पर नंबर भी आप देख सकते हो, टाइम भी चाहो तो मैच कर सकते हो। बिल्कुल रियल वीडियो है, रियल ट्रिक है। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगी नीचे आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।